ये दोस्तों व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? दोस्तों एडोबी का नाम तो आप सबने सुना होगा। ग्राफिक मार्केट में इनकी अपनी एक अलग पकड़ है, अपनी अलग एक पहचान है। चाहे वो अगर आपको कोई फोटो वगैरह एडिट वेडिट करनी हो या थंबनेल बनाना हो, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोटोशॉप का नाम आता है, कोई वीडियो वगैरह बनानी हो तो प्रीमियर प्रो का नाम आता है, आफ्टर इफेक्ट्स का नाम आता है। तो इन सब चीज़ों में तो प्रीमियर प्रो, ये फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, इन सब ने इतनी पकड़ बना रखी है ना, और भी एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इनने इतनी पकड़ बना रखी है कि एडोब के अलावा ग्राफिक मार्केट में लोग किसी की बात ही कम। दोस्तों अब एडोब भी इसी को लेके आगे चलते हुए अपना एक AI सिस्टम लेके आ गया है, जिसको बोला जा रहा है एडोब फायरफ्लाई। ठीक है, एडोब फायरफ्लाई एक AI बेस्ड सिस्टम है, जिसमें आपको टेक्स्ट आप डालोगे तो आपको एक AI जनरेटेड इमेज मिलेगी। तो आप YouTube पे अगर थंबनेल वगैरह बनाना है, कुछ हटके थंबनेल बनाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप AI की मदद भी ले सकते हो। आप जैसे दोस्तों आजकल टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू पिक्चर, टेक्स्ट टू ग्राफिक आर्ट, वैसी सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग भी इस चीज़ को लेके आए हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर मिस किया आपने तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपके फायदे की हो सकती थी आप मिस कर दो उनको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये फ्री है कि नहीं है। ठीक है, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है, फ्री है कि नहीं है। ये काफ़ी हद तक फ्री है। ठीक है, इसमें भी आपको क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं। क्रेडिट्स क्या होते हैं कि आपको जैसे कोई कंपनी है उसने आपको फ्री ऑफ फंड, जैसे आप उसको साइन इन करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर 100 क्रेडिट दे दिए तो 100 बार आप 100 अलग अलग तरह की इमेज बना सकते हो। तो इसमें भी वही क्रेडिट सिस्टम है, फ्री वर्जन के लिए अगर आप पैसा देते हो तो आपको क्रेडिट ही मिलते हैं। ठीक है, पेड वर्जन में भी क्रेडिट मिलते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो आप उससे क्या है, अपना जो भी इमेज वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट डाल के आप फोटोग्राफ चाहो तो फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हो, आर्ट चाहो तो आर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं सब चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा कुछ। तो सबसे पहले हम लोग अपना चलते हैं इसमें सिस्टम में और स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों एडोब फायरफ्लाई की आपकी ऐसी एक वेबसाइट मिल जाती है, अभी ऐप तो आया नहीं है, वेबसाइट पे ही है। अब यहाँ पे जैसे ये लिख रहा है ना, ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीज़ें लिख रहा है ना, ऐसे ही आप लिख के कुछ भी इमेज जनरेट कर सकते हो। तो अपन भी कुछ लिख लेते हैं, कुछ लिखते हैं ना, 3D इमेज ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग नियर सी। एक एग्जाम्पल के लिए है, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है। अब ये इसको जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये आपको 4 चीज़ें जनरेट करके देगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ना तो आपको ढंग से समझ में आएगा। 4 चीज़ें जनरेट करके देगा। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो मॉडल वर्जन, एस्पेक्ट रेशियो आप देख सकते हो इसमें आया हुआ है ना, कंटेंट टाइप कैसा है, विजुअल इंटेंसिटी कैसी है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये जो भी घटाओगे बढ़ाओगे वो नेक्स्ट वाले में होगा, उसको उसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखो, इसने 4 ये बना के दे दिए हमको। ठीक है, अब मैं मान लो इसका एस्पेक्ट रेशियो चेक करता हूँ, लैंडस्केप का कर सकते हो, पोर्ट्रेट का कर सकते हो, वाइड स्क्रीन का कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं वाइड स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आर्ट का तो मैंने आपको दिखा दिया, नीचे ऑप्शंस और देखोगे तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो और उस बेस पे वो आपको और भी सजेशंस देगा। ठीक है, आपको और ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, वो तो हमने अभी बात करी, जनरेटिव फिल कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, जनरेटिव फिल में आपको क्या है, आप ऐसे ऐसे चीज़ें चेंज कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आप टेक्स्ट में ऐड करके वो उसको ऐड करवा सकते हो उस पर्टिकुलर जगह पे, अगर आप करते हो। टेक्स्ट इफेक्ट में आप कुछ करते हो, है ना, मान लो मुझे कुछ लिखना, आप टेक्स्ट में ये चीज़ें कर सकते हो, मान लो एफ बनाना है लेकिन वो एफ में कुछ इफेक्ट्स डालने हैं, टाइगर का फर जैसे लिखा है इसने, तो टाइगर का फर वाला आ गया। अब इसमें अगर मैं लिख देता हूँ, अगर इंडियन फ्लैग फॉर एग्जाम्पल, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जनरेट करता है क्या? ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि फायरफ्लाई को ही इसने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट में मान लो अगर मैं चेंज करके अपना नाम लिखता हूँ,
ठीक है, तो जनरेट करता हूँ, तो ये उन सारी चीज़ों को इंडियन फ्लैग में जो कलर्स हैं ना हमारे, ऑरेंज वाइट ग्रीन है ना, उस फॉर्म में ले आया है। देखो दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको साइड में शो करता रहेगा कि आपके पास कितने क्रेडिट्स बचे हैं। अब ये क्रेडिट्स क्या होते हैं, हर महीने आपको 25 क्रेडिट मिल गए, मान लो फ्री अकाउंट पे 25 क्रेडिट को आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ये जो 25 क्रेडिट हैं ये एक महीने के लिए ही वैलिड हैं। एक महीने में ये क्रेडिट घटेंगे कैसे, जितनी बार आप एक्सपोर्ट करोगे, जितनी बार मतलब जनरेट करोगे, ठीक है, उतनी बार ही आपके क्रेडिट घटते चले जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से अगर होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ये चार सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जनरेट फिल कर सकते हो, मान लो कि ये जो शर्ट पहना है इस बंदे ने, हरा शर्ट पहना है, उसको अगर मैंने रंग दिया और उसके बाद मैंने नीचे लिख दिया कि मुझे कैसा चाहिए, वैसा आ जाएगा। ठीक है, वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो, सब AI की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टू वेक्टर ग्राफिक डाल सकते हो आप, ठीक है ना, एडोबी इलस्ट्रेटर में। ये वाला हम एक बार करके देखते हैं जनरेटिव फिल क्या है। मैं एक कोई इमेज अगर अपलोड, या फिर अपलोड क्या करना है, मैं यहीं से एक उठा लूँ क्या? ओके, इस इमेज को उठाता हूँ अगर मैं, ठीक है, मुझे इंसर्ट करना है अगर इसकी जगह, एक सेकेंड, इसकी जगह मुझे एक डॉग इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने करा डॉग, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो किस टाइप का डॉग, ये वाला तो ऐसा लग रहा है कि जी जबरदस्ती ऐड करा है, कीप, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे मान लो मुझे कुछ और ऐड करना है, अगर यहाँ पे मुझे प्लेन ऐड करना है ना, इतनी जगह में मुझे प्लेन ऐड करना है, एरोप्लेन, ठीक है। तो ये इतना सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो इसमें। आपको मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, नहीं जी यही चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या क्या आप सोच सकते हो वो चीज़ें आप कर सकते हो। आपको कुछ इमेज है उसमें कुछ चेंज करना है, या पहले आपने इमेज जनरेट करी, इमेज जनरेट करने के बाद उसमें आपको कुछ ऐड करना है। ये वाला मान लो मुझे ऐड करना है, ठीक है, या फिर ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इसमें मोर पे आप क्लिक करोगे आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना पावरफुल सा ये है, एक वीडियो में हम इसको पूरा नहीं कवर कर पाएंगे, या फिर वीडियो बहुत लंबी करनी पड़ जाएगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है, आप लोग देख नहीं पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊं, मैं इसको और डीप में आप लोगों को बताऊं, तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। ये देखो और भी इमेज आ गई, ये वाली थोड़ी सी ठीक सी लग रही है, या फिर ये भी ठीक सी लग रही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ये वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।